हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये वीडियो है टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन इन फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा में परीक्षण, मापन एवं मूल्यांकन के संबंधित क्वेश्चंस है। जैसा कि दोस्तों बीपीएससी टीजीटी का एग्जाम जल्द होने वाला है, आपका ईएमआरएस का भी एग्जाम जल्द होने वाला है, दोनों लगे हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्स है अदर स्टेट के, एमपी है, यूपी है, यूपीएलटी है, यूकेएलटी है, जितने भी हरियाणा है, डीएसएसबी है, सभी के लिए ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सभी के अभ्यर्थी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस लगा सकते हैं एंड थ्योरी सेशन भी देख सकते हैं। यदि आप थ्योरी सेशन देखना चाहते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सभी टॉपिक का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहाँ पर जाकर के थ्योरी सेशन को डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, एक एक वीडियो आपके लिए, एक एक टॉपिक एंड एक एक क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मत स्किप कीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय फिटनेस कोर की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द नेशनल फिटनेस काउंसिल एस्टेब्लिश इन इंडिया? तो दोस्तों एनडीएस एनएफसी राष्ट्रीय फिटनेस कोर की स्थापना हुआ 1965 में। एंड दोस्तों और है, जैसे कि राष्ट्रीय अनुशासन योजना यानी कि नेशनल डिसिप्लिन स्कीम 1954 में, कुंजरू समिति 1959 में, ग्रामीण खेल कार्यक्रम 1971 में स्थापना हुआ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल योग्यता स्पर्धा योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो राष्ट्रीय खेल योग्यता स्पर्धा योजना NSTC का शुरुआत हुआ 1985 में। ठीक है, राष्ट्रीय खेल योग्यता स्पर्धा NSTC योजना 1985 में शुरू हुआ। राष्ट्रीय खेल योग्यता स्पर्धा योजना को स्कूलों से 18 से 14 वर्ष की आयु की खेल प्रतिभाओं को स्काउट करने के लिए लागू किया जा रहा है और वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें भविष्य की पदक की उम्मीदों में शामिल किया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षण पुनः परीक्षण विधि ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होती है, टेस्ट रीटेस्ट मेथड इन यूज्ड टू फाइंड आउट। तो दोस्तों टेस्ट रीटेस्ट मेथड क्या करता है? यह परीक्षण की विश्वसनीयता को बताता है यानी कि रिलायबिलिटी को बताता है। या टेस्ट रीटेस्ट यानी कि एक से ज़्यादा बार आप टेस्ट कर रहे हैं और परिणाम वही आता है तो माना जाता है कि जो टेस्ट हो रहा है वो क्या है, विश्वसनीय है, रिलेबल है। ठीक है, तो रिलेबिलिटी ऑफ टेस्ट यानी कि टेस्ट की विश्वसनीयता इसमें ज्ञात हो रही है। यानी कि दोस्तों रिलेबिलिटी ज्ञात करने के लिए, रिलेबिलिटी होता क्या है, जैसे कि कोई भी टेस्ट क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट के लिए एक परीक्षण के मूल्यांकन की कसौटी अच्छे परीक्षण की 3 विशेषताएँ होती हैं कि वो वैज्ञानिक प्रमाणिकता हो एंड प्रशासनिक व्यवहारिकता हो एंड शैक्षिक उपयोग हो उसका। तो वैज्ञानिक प्रमाणिकता में रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड होता है। तो विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी क्या होता है कि एक ही समूह पर बनाए गए परीक्षणों को एक से अधिक बार टेस्ट किया जाए और हर बार परिणाम जो है एक जैसे ही आए, यानी कि बार बार परीक्षण लेने पर एक जैसा स्कोर प्राप्त होता है, उसे रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता कहते हैं। किसी परीक्षण की विश्वसनीयता मापने के लिए इसमें 5 विधियाँ होती हैं दोस्तों, जिसमें से टेस्ट रीटेस्ट मेथड एंड पैरल फॉर्म मेथड एंड इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलेबल मेथड एंड स्पीड हॉफ मेथड एंड कूडर रिचर्सन मेथड। ये होता है आपका रिलेबिलिटी ज्ञात करने का। तो जो टेस्ट रीटेस्ट मेथड होता है, इसमें एक ही परीक्षण को एक ही समूह पर 2 बार प्रयोग किया जाता है, दोनों के मध्य कोरिलेशन निकाला जाता है और अगर कोरिलेशन अच्छा आता है तो माना जाता है कि वह रिलेबल है यानी कि विश्वसनीय है। तो याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाना गामक क्षमता परीक्षण में सम्मिलित नहीं है। तो इंडियाना गामक क्षमता परीक्षण में सम्मिलित नहीं है, तो कौन नहीं है दोस्तों इंडियाना गामक क्षमता परीक्षण में? तो यहाँ पे स्ट्रेडल चिनअप है, फ्लोर पुशअप है, वर्टिकल जंप है, बट 60 सेकेंड स्क्वाट नहीं है।
60 सेकेंड स्क्वायर नहीं है। इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट में 6 आइटम्स हैं, जैसे कि चिनिंग, स्ट्रेडल चिनअप, पुश अप, स्टैंडिंग वर्टिकल जंप, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप एंड स्क्वाट थ्रस्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड स्टेप परीक्षा का निर्माण कब हुआ? When was the Harvard Step Test created? तो यह है 1943 में लुसिन ब्रोहा के द्वारा कार्डियो रिस्पायरेटरी इंडोरेंस मेजर करने के लिए बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिटनेस ग्राम गति दृढ़ता सेहत के कौन से पहलू का मूल्यांकन करता है? तो दोस्तों, विच एसेप्ट एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ डज फिटनेस ग्राम स्पीड डिटरमिनेशन मेजर? तो दोस्तों, यह मेजर करता है फिटनेस ग्राम हृदय वाहिनी सहन क्षमता को। किसको मेजर करता है? हृदय वाहिनी सहन क्षमता को मेजर करता है, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर पेशेंस को मेजर करता है। यानी कि फिटनेस ग्राम गति दृढ़ता सेहत का मूल्यांकन हृदय वाहिनी सहन क्षमता, प्रगतिशील एरोबिक कार्डियोवैस्कुलर सहन शक्ति, रन, यानी कि 1982 में लेजर और लैम बर्ट द्वारा निर्मित एक बहुस्तरीय शटल रन है, जिसके द्वारा खिलाड़ी के हृदय वाहिनी सहन क्षमता का मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट दोस्तों, एक्सरे के माध्यम से कौन सी आयु ज्ञात किया जाता है? तो एक्सरे के माध्यम से दोस्तों कौन सी आयु ज्ञात किया जाता है? तो इसमें शरीर संरचनात्मक आयु यानी कि एनाटॉमिकल एज ज्ञात किया जाता है। ठीक है, एनाटॉमिकल एज ज्ञात किया जाता है, हड्डियों दांतों की संरचना से एनाटॉमिकल एज ज्ञात किया जाता है, जिसमें हमारा दाएं हाथ की जो रेडियल बोन होती है उससे मनुष्य की आयु ज्ञात किया जाता है। एंड इसको एक्सरे एज के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैवधारिता को किसके द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों, जैवधारिता को जो हमारे सांस लेने की क्षमता होती है, जैवधारिता मतलब वाइटल कैपेसिटी होगा यहाँ पे, बायो कैपेसिटी यानी वाइटल कैपेसिटी होगा। तो वाइटल कैपेसिटी यानी जैवधारिता जो है किससे मापा जाता है? यह मापा जाता है स्पायरोमीटर से। किससे? स्पायरोमीटर से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताकत को इसमें से किसके द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन फोल्ड कैलिपर से शरीर की वसा को मापा जाता है, गोनियोमीटर से शरीर के लचीलापन को मापा जाता है, एंड कोण को मापा जाता है, स्टेडियोमीटर से शरीर की ऊंचाई या लंबाई मापा जाता है। तो यहाँ पे ताकत यानी स्ट्रेंथ को किससे मापा जाता है? डायनेमोमीटर से। ठीक है, स्ट्रेंथ को किसको मापा जाता है? डायनेमोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है, परीक्षण का उद्देश्य किसके माध्यम से मापा जाता है? यहाँ पे परीक्षा नहीं, परीक्षण या जो भी टेस्ट होता है। ठीक है, परीक्षण का उद्देश्य किसके माध्यम से मापा जाता है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? थ्रू व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन? यहाँ पे टेस्ट होगा। ठीक है, टेस्ट मेजर्ड। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो परीक्षण का उद्देश्य होता है उसको किससे मापा जाता है? तो वैधता से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? वैधता यानी कि वैलिडिटी से मापा जाता है। यानी कि व्हाट पर्पज टू मेजर, यानी किसके उद्देश्य से बनाया गया है परीक्षण, किसके लिए बनाया गया है, क्या वह उसी को माप रहा है, यानी परीक्षण अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा है या नहीं, पूरा कर रहा है तो वो वैध माना जाएगा। यानी कि पहले हम नए बनाए गए परीक्षण को एक छोटे समूह पर प्रयोग करेंगे, फिर किसी दूसरे प्रमाणित परीक्षण को उन्हीं बच्चों के ऊपर प्रयोग करेंगे। यदि दोनों परीक्षणों के परिणाम एक जैसे आते हैं तो हम उस परीक्षण को वैध मानेंगे। और ये भी जान लीजिए कि किसी भी परीक्षण के निर्माण में वैज्ञानिकता जो है, वैज्ञानिक प्रमाणिकता हेतु वैधता जो है सबसे पहले निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, कि लंबवत कूद द्वारा शक्ति मापने को और किस नाम से जाना जाता है? लंबवत कूद द्वारा शक्ति मापन को मेजरिंग पावर बाय वर्टिकल इज आल्सो नोन एज वाट एल्स।
तो लंबवत कूद द्वारा शक्ति मापने को और किस नाम से जाना जाता है? तो सार्जेंट कूद के नाम से भी जाना जाता है। एंड नेक्स्ट है, लचकता की माप हेतु किया जाने वाला प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग डन टू मेजर फ्लेक्सिबिलिटी इज। तो लचकता की माप किया जाता है इसमें टीजी टेस्ट के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे रूलर ड्रॉप टेस्ट आपका रिएक्शन टाइम को मापता है, एंड मेडिसिन बॉल थ्रो जो है हमारे आर्म एंड शोल्डर की एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को मापता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किन फोल्ड कैलिपर मापता है, स्किन फोल्ड कैलिपर क्या मापता है? तो आप सबको पता है ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, स्किन फोल्ड कैलिपर क्या मापता है? तो यह मापता है शरीर की चर्बी यानी कि वसा को, बॉडी फैट को मेजर करता है स्किन फोल्ड कैलिपर, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, स्टेरियोमीटर का प्रयोग किसकी माप के लिए करते हैं? व्हाट इज स्टेरियोमीटर यूज टू मेजर? तो स्टेरियोमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? स्टीरियोमीटर का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई या लंबाई मापने के लिए। याद रखिएगा, ऊंचाई या लंबाई मापते हैं स्टीरियोमीटर से, और भार जो है वेइंग स्केल से मापा जाता है, याद रखिएगा। और स्किन फोल्ड कैलिपर से मोटापा मापा जाता है, और एंथ्रोपोमेट्रिकल रॉड से शरीर के विभिन्न अंगों की लंबाई मापा जाता है। एंड नेक्स्ट है, ईसीजी सूचक है, ईसीजी इट इन इंडिकेटिव। तो ईसीजी जो है सूचक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है हृदय के जो असमानताएं होती है उसका पता लगाया जाता है, यानी कि यह मुख्य रूप से ईसीजी हृदय की धड़कन के दौरान हृदय की मांसपेशी के विध्रुवीकरण होने के समय त्वचा पर सूक्ष्म वैद्युत परिवर्तनों का पता लगाकर और उनमें उसमें विस्तार का कार्य करता है, यानी हृदय की अनियमितताओं को पता लगाता है, ईसीएफ। एंड नेक्स्ट है, रक्तदाब को मापने का यंत्र कौन सा है? तो यहाँ पे स्फिग्नोमैनोमीटर है, रक्तदाब को कौन मापता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। एंड नेक्स्ट है, डायनमोमीटर यंत्र किसी व्यक्ति की शक्ति मापन का कार्य करता है। इस यंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो इस ये डायनमोमीटर क्या करता है? डायनमोमीटर इंस्ट्रूमेंट वर्क टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ ए पर्सन इन विच कंट्री वॉज दिस इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट यूज। तो सबसे पहले यह यूज हुआ था अमेरिका में डायनमोमीटर का। डायनमोमीटर को किसे क्या मापा जाता है? स्ट्रेंथ यानी शक्ति मापा जाता है। नेक्स्ट है, स्पायरोमीटर किसके मापन के लिए प्रयोग होता है? तो आप सबको पता है स्पायरोमीटर फेफड़ों की क्षमता यानी श्वसन लेने की क्षमता को मापा जाता है। एंड नेक्स्ट है, सहन शक्ति परीक्षण के लिए प्रयोग होता है, व्हाट इज यूज्ड फॉर एंड्योरेंस टेस्ट? तो यह होता है ट्रेडमिल, ट्रेडमिल का प्रयोग सहन शक्ति परीक्षण के लिए किया जाता है। एंड किनेथ कूपर ने सर्वप्रथम होम एक्सरसाइज एरोबिक के रूप में ट्रेडमिल का प्रयोग किया था, ये भी याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टेस्ट के चयन के लिए क्या मानदंड आवश्यक है? व्हाट आर द क्राइटेरिया रिक्वायर्ड फॉर सिलेक्शन फॉर अ टेस्ट? तो किसी भी टेस्ट के चयन के लिए तीन मानदंड होते हैं, वैज्ञानिक प्रमाणिकता, क्या क्या होते हैं? वैज्ञानिक प्रमाणिकता यानी कि साइंटिफिक अथॉरिटीसिटी, प्रशासनिक दृष्टिकोण से उपयोग हो, एप्रोप्रिएट फॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, एंड शैक्षिक प्रयोग यानी कि एजुकेशनल यूज। ये तीन होते हैं, यानी ऑल ऑफ द एवब्स, इनमें से सही आपका राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ शरीर का तापमान कितना होता है सामान्य? व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी बॉडी? तो यहाँ पे होगा, अगर फारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 फारेनहाइट, फारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 फारेनहाइट, यहाँ पे चार दिया है तो चार राइट हो जाएगा मिनिमम। एंड डिग्री में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा, इससे ऊपर होता है तो उसे हम बुखार की स्थिति कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रोपोमेट्रिक मापन को अत्यधिक सही और विश्वसनीय बनाने के लिए कम से कम कितनी बार नापना महत्वपूर्ण होता है? तो कम से कम 2 बार,
दो बार माप लिए, वही वही आपका मेजरमेंट आया या वही वही परिणाम आया, तो मान लीजिए वो विश्वसनीय है, यानी कि रिलेबल है। नेक्स्ट है, इनमें से किस स्थान पर स्किन फोल्ड मापन नहीं लिया जाता है? तो दोस्तों जो स्किन फोल्ड मापन होता है वाइसेप्स बाइसेप्स पर भी लिया जाता है, कॉफ मांसपेशी पर, पेट पर यानी उधर पर, स्टोमस पर, बाइसेप्स कॉफ मसल्स हैं उधर लिया जाता है, बट हथेली पर नहीं लिया जाता, पाम पर नहीं लिया जाता। यानी कि स्किन फोल्ड टेस्ट में कैलिपर्स स्किन के प्रयोग से शरीर के विभिन्न भागों की वसा यानी फैट की मोटाई मापी जाती है। शरीर के अलग अलग भागों के लिए लिए गए मापों को समीकरण में डालकर शरीर की सघनता या घनत्व की गणना की जाती है। फिर पुरुषों और स्त्रियों की वसा का प्रतिशत निकाला जाता है। मापन शरीर के दाएं भाग से लेना चाहिए, ज्यादातर याद रखिएगा मापन शरीर के दाएं भाग से लेना चाहिए। पुरुषों के लिए निम्नलिखित तीन भागों में मापन किया जाता है, पुरुषों के लिए कितनी भागों में, तीन भागों में, जैसे कि बाइसेप्स पर, उदरीय पर स्किन फोल्ड पर, एंड कॉफ मसल्स या छाती का स्किन फोल्ड। यानी स्त्रियों के लिए दो भागों से मेजर किया जाता है, बाइसेप्स एंड इलियक स्किन फोल्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा पुरुषों के लिए तीन जगह का माप लिया जाता है स्किन फोल्ड कैलिबर में, बाइसेप्स, कॉफ मसल्स एंड उदर यानी पेट, एंड महिलाओं के लिए दो, बाइसेप्स एंड इलियक। ठीक, एंड नेक्स्ट है, किसी परीक्षण की वैधता यानी कि वैलिडिटी किसके द्वारा निर्धारित होती है? व्हाट डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट? तो दोस्तों यह परीक्षण को उसी से मिलते जुलते परीक्षण से संबंध करके, यानी कि बाय रिलेटिंग द टेस्ट ऑफ सिमिलर टेस्ट, यानी कि जो परीक्षण नया बनाया गया है उसी से मिलते जुलते दूसरे परीक्षण को उसी विद्यार्थियों पर प्रयोग किया जाता है। यदि दोनों का परिणाम सेम होता है तो माना जाता है कि वह वैलिडेबल है, यानी कि वैलिड है, यानी वैध है। नेक्स्ट है, 30 सेकेंड सेटअप से इनमें किसका परीक्षण होता है? व्हाट डज 30 सेकेंड सेटअप टेस्ट? सेटअप जो है तृतीय प्रकार के लीवर यानी उत्तोलक का के अंतर्गत आता है, क्योंकि तृतीय प्रकार के उत्तोलक में फोर्स जो है, बल जो है, वो बीच में होता है एक्सिस एंड रेसिस्टेंस के। तो यहाँ जब सीटअप लगाते हैं तो जो फोर्स होता है पेट पे यानी एब्डोमिनल पे पड़ता है, तो यह क्या मापता है? यह मापता है पेट की शक्ति और सहन शक्ति। ठीक है, यानी कि एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस को मेजर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी ज्यादातर संगत होगा यहाँ पे, पेट की शक्ति, सहन शक्ति और गति। ठीक है, एब्डोमिनल स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड स्पीड को मेजर करता है 30 सेकेंड सीटअप। एंड नेक्स्ट है, खेल कूद में स्कोलियोसिस का उच्च दर देखा गया है। स्कोलियोसिस क्या होता है? जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है एक हिप दूसरी तरफ और ऊपर का भाग दूसरी तरफ रीढ़ की हड्डी मुड़ जाता है, इसको स्कोलियोसिस कहा जाता है। और स्कोलियोसिस जो है लेटरल डिविएशन यानी कि पार्श्व कुब्जता भी कहा जाता है इसको। और ये ज़्यादातर देखा जाता है आपका जिम्नास्ट और तैराकों में, जिम्नास्ट और तैराक वाले खिलाड़ियों में ज्यादातर देखा जाता है। स्कोलियोसिस में मेरुदंड एक ओर झुक जाता है जिसके कारण कंधा एक तरफ और नितंब यानी हिप दूसरी तरफ झुक जाते हैं। इस विकृति को स्पिनोग्राफ पर पीड़ित व्यक्ति को खड़ा करके देखा जा सकता है। यदि एक खिलाड़ी किसी विशेष तरफ के अंगों का अधिक उपयोग करता है तो वह इस विकृति से प्रभावित होता है, जैसे क्रिकेट का मीडियम पेस बॉलर, जिम्नास्ट एंड तैराक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी मापन तब प्रभावी माना जाता है जब यह कार्यान्वित किया जाता है। तो एनी मेजरमेंट इज कंसाइडरेट इफेक्टिव व्हेन इट इज इम्प्लीमेंटेड। तो दोस्तों उच्च श्रेणी के योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा यदि कोई भी टेस्ट मापन कार्यान्वित किया जाता है तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। एंड नेक्स्ट है, बेसल मेटाबॉलिक दर में व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्नता हो सकती है, परंतु यह शक्ति मात्रा पर निर्भर करती है। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट में वेरी फॉर्म पर्सन टू पर्सन, बट इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ पावर। तो बेसल मेटाबॉलिक यानी कि
बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी BMR, ठीक है, BMR का फुल फॉर्म होता है बेसल मेटाबॉलिक दर, वह दर है जो किसी शरीर की चय अपचय यानी मेटाबॉलिज्म क्रिया का निर्धारण करता है। अर्थात यह बताता है कि मनुष्य के शरीर को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है। मनुष्य को अपने शरीर की बनावट के अनुसार ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा चय अपचय क्रिया पर से प्राप्त होता है और यह शारीरिक गतिविधि से भी निर्भर करता है कि कैसा काम करता है, हल्का या भारी, उसके हिसाब से यह अपना मात्रा निर्भर करता है। नेक्स्ट दोस्तों, डॉक्टर केनेथ कूपर किसके विख्यात है? तो डॉक्टर केनेथ कूपर ने 12 मिनट दौड़ और चाल को 1972 में खोजा था और यह कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मेजर करता है। एंड नेक्स्ट है, किसके मापन के लिए वेट स्पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है? वेट स्पायरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर व्हाट? तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है वेट स्पायरोमीटर? तो यह जैविक क्षमता यानी कि फेफड़ों की क्षमता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, वाइटल कैपेसिटी को मापने के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलाइनोमीटर किसके मापन में प्रयोग होता है? तो ओलाइनोमीटर दोस्तों प्रयोग होता है आपका भंगिम यानी कि पोस्चर को मापने के लिए, भंगिम यानी कि पोस्चर को मापने के लिए, भंगिम को मापने के लिए स्कोलियोमीटर का भी प्रयोग होता है, याद रखिएगा। तो भंगिम यानी कि पोस्चर को मापने के लिए ओलाइनोमीटर एंड स्कोलियोमीटर का भी प्रयोग होता है, स्टाइनोग्राफ का भी प्रयोग होता है एंड ओलाइनोमीटर का भी प्रयोग होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या प्रदर्शन में निरंतरता दर्शाती है? तो प्रदर्शन में निरंतरता वह दर्शाती है आपका रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता को, यानी बार बार परीक्षण करने पर एक ही परिणाम आए तो कहा जाता है कि वह रिलेबल है। रिलेबल रिलेबिलिटी यानी विश्वसनीयता का अर्थ है कि जब कोई परीक्षण समान परिस्थिति में समान लोगों पर यदि बार बार प्रयोग किया जाए और उसका परिणाम लगभग हर बार समान हो तो माना जाता है कि वह वैलिड है। वैधता वैलिडिटी से तात्पर्य किसी परीक्षण से के उस विशेष गुण से है जो उसके उद्देश्य को मापे, पर्पज को मापे। नेक्स्ट दोस्तों, ट्रेडमिल का उपयोग इसमें होता है, ट्रेडमिल का प्रयोग किसमें होता है? तो दौड़ में किया गया कार्य यानी भागने में किया गया कार्य यानी सहनशीलता को डेवलप करता है यह, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिकों की हृदय संबंधित दक्षता को मापने के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट विल बी यूज्ड टू मेजर कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस इन सीनियर सिटीजन? तो दोस्तों सीनियर सिटीजन के लिए हृदय संबंधित दक्षता को मापने के लिए कौन सा ऐसे परीक्षण हम प्रयोग करेंगे? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है, 6 मिनट पैदल चाल परीक्षण। क्या हो जाएगा? 6 मिनट पैदल चाल परीक्षण वरिष्ठ नागरिकों के लिए हृदय संबंधी दक्षता को मापने के लिए परीक्षण प्रयोग किया जाता है। वरिष्ठ नागरिकों के हृदय संबंधी दक्षता को मापने के लिए 6 मिनट पैदल चाल वरिष्ठ नागरिकों की कार्यात्मक पुष्टि को मापने के लिए किया जाता है। एरोबिक पुष्टि या एरोबिक सहन क्षमता का मूल्यांकन करना, जो कि दूरियों को तय करना, सीढ़ियों चढ़ना, खरीदारी करना, पर्यटन करना आदि के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, किस यंत्र द्वारा शक्ति का मापन किया जाता है? तो शक्ति का मापन जो है डायनेमोमीटर से किया जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। डायनेमोमीटर से शक्ति का मापन किया जाता है, मैनोमीटर से ग्रिप यानी राइट एंड लेफ्ट हैंड का ग्रिप मापा जाता है, गोनियोमीटर से दो जगह के कोण यानी मांसपेशियों को जोड़ को अध्ययन किया जाता है, यानी कि जोड़ का मापा जाता है, जोड़ के कोण को मापा जाता है गोनियोमीटर में एंड फ्लेक्सिबिलिटी को मापा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और डेली बेसिस पर इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।